औरत के जिस्म की ये तीन चीजें मसलने से औरत अपनी शर्मगाह खोलकर मर्द के ऊपर बैठ जाती है। नंबर एक, औरत की गर्दन पर हाथ फेरना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो और मर्द औरत के कपड़े उतारकर औरत से हम बिस्तरी करना चाहे, तो उसे चाहिए कि औरत के साथ रोमांस करते वक्त औरत को अपने नीचे लिटा ले, और जब मर्द औरत के ऊपर आता है तो औरत कमजोर पड़ जाती है, और जब मर्द औरत की गर्दन को हाथ लगाता है, हाथों से गर्दन को मसलता है, औरत के होंठों को किस करता है, तो फिर औरत की शहवत मर्द के हवस के सामने बेबस हो जाती है। औरत की शहवत इतनी बढ़ जाती है कि औरत बेताब होकर मर्द के सामने अपने कपड़े उतार लेती है, और फिर जो मर्द कहता है वही करती है, मर्द की सारी ख्वाहिशात पूरी करती है, यहाँ तक कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर देती है। नंबर दो, उंगलियों के दरमियान वाली जगह को मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो और मर्द औरत के कपड़े उतारकर औरत से हम बिस्तरी करना चाहे, तो उसे चाहिए कि औरत की उंगलियों के दरमियान वाली जगह को अपने अंगूठे की मदद से हल्का हल्का मसलता रहे। इस तरीके से औरत की शर्मगाह में गर्मी पैदा होने लगती है और औरत मर्द की बाहों में गिर जाती है, क्योंकि औरत की उंगलियों की हरारत औरत की शर्मगाह तक जरूर पहुंचती है, और औरत गर्म होकर मर्द के सामने कपड़े उतारकर हम बिस्तरी की ख्वाहिश करने लगती है। नंबर तीन, औरत की छाती को मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो और मर्द औरत के कपड़े उतारकर औरत से हम बिस्तरी करना चाहे, तो उसे चाहिए कि औरत की छाती के ऊपर हाथ फेरता रहे, छाती को हाथ से मसलता रहे। छाती को मसलने से औरत जल्दी गर्म हो जाती है, औरत की जिनसी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से औरत अपनी शर्मगाह खोल लेती है। अगर मर्द ज्यादा देर तक छाती को मसलता है तो जिस्म की गर्मी की वजह से औरत इतनी बेकाबू हो जाती है कि वो मर्द के नफ्स के ऊपर बैठ जाती है और हम बिस्तरी कर लेती है। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।